हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल होप एवरीथिंग गुड गाइस। सो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया 1 मिनट साड़ी हॉल। बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि 1 मिनट साड़ी हॉल करो, तो मैं लेकर आई हूँ आज मिंत्रा से। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर क्लिक कीजिए। और मिंत्रा पर सेल शुरू होने वाली है, तो विशलिस्ट में रखिए और सेल का भरपूर फ़ायदा उठाइए। मुझे थोड़ी हाई प्राइस में मिली है, बट सेल में आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलेगी, तो विशलिस्ट में रखिए। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और नॉन सब्सक्राइबर जो वीडियो देखते हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट गाइज। एंड कॉमेंट में बताएं कौन सी साड़ी अच्छी लगी है। नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट मैंने पिक करा है गाइज ये साड़ी जो इंडिया ब्रांड से है, एंड ब्लाउज अलग से मैंने लिया है, ये भी इंडिया ब्रांड से है। ब्लाउज का साइज लार्ज है, मीडियम अवेलेबल नहीं थी तो मैंने लार्ज लिया, और साड़ी का साइज मीडियम है। तो इसका जो कलर है वो बहुत ही पर्पलिश काइंड ऑफ कलर है, थोड़ा गोल्ड टोन भी आपको मिल रही है। ये मैंने अपने बर्थडे पे पहना था, आपकी बहुत कमेंट आई थी कि बताओ कहाँ से लिया है, तो ये मिंत्रा से इंडिया ब्रांड से है। इसका ब्लाउज क्रॉप टॉप है, जिसे आप प्लाजो पे या फिर कोई भी वेस्टर्न वेयर पे पहन सकते हो, ज़रूरी नहीं इसे आप साड़ी पे ही पहनो। पफी स्लीव्स के साथ आता है, सैटन मटेरियल है ना, रैप करने वाला टॉप है, तो मैं इसे फ्यूचर में एज अ क्रॉप टॉप भी वेयर करने वाली हूँ। साड़ी में भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। सो साड़ी कुछ इस तरीके से है, साइड से जिप लगानी है, प्लीट्स जो है वो साड़ी पे बनी हुई है, एंड जो साड़ी का बेस्ट पार्ट है वो इसका पल्ला। इसका पल्ला जो है ना, और साड़ी जैसे 1 मिनट साड़ी इंडिया ब्रांड की बहुत मिलती है, बट उन सबसे ये थोड़ा डिफरेंट है। इसका पल्ला इस तरीके से, मतलब इतना अच्छा ब्यूटीफुल इंडो वेस्टर्न लुक दे रहा है ना, मुझे ये गॉन काइंड ऑफ मॉडर्न साड़ी कह लो, बहुत प्यारी लगी गाइज, एंड बहुत कंफर्टेबल है। ट्रस्ट मी, पहनने पे बहुत मजा आने वाला है। और जो इसका फ्रंट का पार्ट है, वो प्लीट्स जो बनी हुई है ना, वो प्लीट्स अलग कर दी गई है, और एक पार्ट बीच से पार्टीशन मतलब की गई है, अंदर को इनर लाइनिंग शॉर्ट मिल रही है, जिसके वजह से ये साड़ी और ज्यादा मॉडर्न लग रही है। बैक से कुछ ऐसी लगती है, एंड पल्ला पे ना गोल्डन लाइक प्लीटेड कपड़ा है, उस पर वर्क करी हुई है गोल्डन, तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और साड़ी मुझे मिली है काफी एक्सपेंसिव 200 रुपीज़ में। ये जो ब्लाउज है गाइज, मुझे थोड़ा सस्ता मिला क्योंकि उस दिन डिस्काउंट चल रही थी और मैंने 1100 रुपीज़ में ये ब्लाउज ली। करेंटली इसका प्राइस 1700 है, तो सेल लगने वाली है, सेल का वेट कीजिए और फ़ायदा उठाइए पूरे डिस्काउंट का। और इस पर एक और कलर अवेलेबल है, मरून कलर, अगर आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, बट ये वाली मुझे बहुत पसंद आई। एंड सीरियसली मैं इसे पहन के बहुत मॉडर्न साड़ी काइंड ऑफ फील कर रही हूँ, लाइक बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आई, हाईली रिकमेंड करूँगी। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ये तीखी इमली ब्रांड से साड़ी गाइस, और इस पर मैंने खुद का ब्लाउज वेयर करा है, रेडीमेड ब्लाउज, उसका भी लिंक आपको दे दूंगी मैं, बट इस पर ब्लाउज पीस आती है तो आप स्टिच करा के पहन सकते हो। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने रेडीमेड ब्लाउज के साथ दिखाई है। पॉलिस्टर इसका मटेरियल है साड़ी की, क्रश वाली साड़ी है, बारगंडी कलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है गाइज इसका, एंड 1400 रुपीज़ में मुझे मिली है। करंट इसका प्राइस 1200 रुपीज़ चल रही है, ट्रस्ट मी 200% ग्रैब कर सकते हो। इतनी ब्यूटीफुल साड़ी आपको 1200 में सिर्फ मिल रही है, और इस पर ब्लाउज भी सेम आपको आ रही है, तो ब्लाउज आप स्टिच करा सकते हो। मिंत्रा के पेज पे देखोगे ना तो ब्लाउज बहुत स्टाइलिश वे में स्टिच कराई हुई है, तो वो पैटर्न भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको स्टाइल करा रेडीमेड ब्लाउज के साथ जो सलवार स्टूडियो ब्रांड की है, मांगटीका लिया लगाया है, मैंने गजरा लगाया है। सो जितने भी पॉसिबल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइज इस पर नहीं आती है, वन साइज ही अवेलेबल होती है गाइज, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो इंडिया ब्रांड से थोड़ा डिफरेंट है। लाइक यहाँ पे आपको पिन करने का बहुत सारे क्लिप्स मिलते हैं, जिसको आप अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग क्लिप कर सकते हो। देखने में तो जब आपको रिसीव होगी तो लगेगा कि लहंगा आपको रिसीव हुई है, लाइक कुछ इस तरीके से, बट इस पे प्लीट्स बनी हुई है, तो पहनने के बाद ये प्रॉपर साड़ी लगती, बिल्कुल नहीं लगेगा कि 1 मिनट साड़ी आपने पहना, पर बहुत कंफर्टेबल है। कुछ इस तरीके से इसकी ब्लाउज पीस आ रही है, और इतने सारे क्लिप्स आपको मिल रहे हैं जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो, लाइक हुक्स मिल रहे हैं, इनर लाइनिंग के साथ है, बहुत कंफर्टेबल है, हाईली रिकमेंड करूंगी। एंड इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, कैमरा जस्टिस नहीं कर रही है कलर, एक्चुअल में आपको और ज्यादा पसंद आने वाली है। और ब्लाउज स्टिच कराओ स्टाइलिंग वे से, या फिर रेडीमेड ब्लाउज के साथ भी वेयर कर सकते हो, 200% रेकमेंड करूंगी। नेक्स्ट मैंने पिक करा है सेम ब्रांड से, तीखी इमली ब्रांड से, बट ये मैंने ब्लू कलर की ये साड़ी पिक करी है गाइज, और ये भी पॉलिस्टर मटेरियल में है, वन साइज अवेलेबल, इस पर भी साइज नहीं आती है, और कुछ इस प्लीटेड साड़ी है नीचे को, और जो पल्ला मिल रहा है ना वो भी प्लीटेड मिल रही है। सो पल्ला थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, उसे थोड़ा आपको अच्छे से बनाकर पहनना पड़ेगा या फिर थोड़े कट करानी पड़ेगी, तो मैंने हाथ में ऐसे मोड़ कर दिखाई, पल्ला थोड़ा बड़ा है, और कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न है। ऊपर आपको सीक्वेंस मिल रही है इनर लाइनिंग के साथ है, तो सीक्वेंस
कर्टन्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, नीचे को ना प्लीटेड वाली मिल रही है जो सेम पल्ला में आपको मिल रहा है। इस पर भी सेम पैटर्न है, क्लिप्स हुक्स लगे हुए हैं, अपने यू नो वेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। एंड इसका जो ब्लाउज पीस है ना वो बहुत बेटर है, लाइक आपको इस पर प्लीट वाली भी ब्लाउज पीस मिल रही है एंड वो सीक्वेंस वाली भी, तो आप बहुत अच्छे से इसका ब्लाउज स्टिच करा सकते हो मिंत्रा के पेज में, बहुत बढ़िया से बना हुआ कुछ इस तरीके से पेयर कर सकते हो। सो ओवरऑल ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद आई, ये मुझे मिली है 2000 रुपीज़ में, सेल में भी बहुत कम प्राइस होने वाली है, नहीं सॉरी 2300 रुपीज़ में मुझे मिली है। राइट नो 2000 से नीचे प्राइस है तो वो आप चेक कर सकते हो एंड कुछ इस तरीके से इसकी लुक एंड, हाँ ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जिनको भी यू नो प्लीट्स बनाने या साड़ी पहनने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो बहुत बढ़िया। सो मैंने इसे डुअल बैंगल्स के साथ स्टाइल करा है एंड मैंने गजरा लगाई है आर्टिफिशियल फ्लावर्स वाली, और सेम ज्वेली मैंने पहनी है सिर्फ इस पर मांग टीका हटा दिया है। सो कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट में बताओ, ब्लाउज के साथ ये ज़्यादा बेटर लगेगी तो स्टीच जरूर। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ये इंडस ब्रांड की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साड़ी गाइस, इसका कलर कॉम्बिनेशन पे मैं फिदा हो गई हूँ, जॉर्जेट मटेरियल है। ब्लाउज मैंने खुद का वेयर करा है, ये क्रॉप टॉप मैंने H&M से ली थी, ज्वेलरी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइज मेरा इस पर मीडियम है, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, ट्रस्ट मी नवरात्रि के लिए परफेक्ट है गाइज। बस इस पर मैंने बेल्ट नहीं लगाई है, और बेल्ट लगाओगे तो और ब्यूटीफुल लगेगी, बेल्ट मेरी वाइट वाली मिल नहीं रही थी। सो कलर कॉम्बिनेशन देखो गाइज, मतलब ग्रीन, लाइट ग्रीन, पर्पल, पिंक एंड लाइट ब्लू, बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन है। एंड इस पर आपको ना छोटी छोटी से गोल गोल सी क्लोथ की बनी हुई है डिज़ाइन, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। ब्लाउज आपको सेम मिलेगी, सेम मटेरियल जो साड़ी की है सेम आपको ब्लाउज स्टिच मिलेगी, उसे स्टिच करानी होगी, स्टिच कराने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। 1900 रुपीज़ में मुझे मिली है, करंट इसका प्राइस बहुत कम होने वाला है तो विशलिस्ट में रखिए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। लहंगा स्टाइल में है और देखने में बहुत ब्यूटीफुल है, डबल लेयर्स आपको मिल रही है एंड इतना ज़्यादा फ्लोई एंड इतना कंफर्टेबल मुझे पहनकर लग रहा है ना कि मैं मतलब कैमरे में तो मैं बता ही नहीं सकती। सो गाइस 200% रेकमेंड करूंगी, जॉर्जेट मटेरियल है, काफी कंफर्टेबल है, जिनको भी नो पहनना साड़ी पहनना पसंद नहीं उनके लिए परफेक्ट है, साइड जिप के साथ भी आती है। सो इस पे मैंने थोड़ा बोहो लुक करा है क्योंकि नवरात्रि स्पेशल लुक मैंने इस पे क्रिएट की है। आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट पर जरूर से बताओ, मुझे तो ये वाली साड़ी बहुत पसंद है। नेक्स्ट और लास्ट मैंने पिक करा है ये ग्रीन कलर की इंडिया ब्रांड से साड़ी गाइस, और इंडिया ब्रांड में आपको ब्लाउज नहीं मिलती है, पीस भी नहीं मिलती है। सो मैंने इसके साथ रेडीमेड ब्लाउज खरीदा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फर्स्ट टाइम ये ब्रांड का ब्लाउज मैं ट्राई कर रही हूँ, बट ट्रस्ट मी ब्लाउज बहुत अच्छा है, एक्सपेंसिव भी है बट लुक वाइज बहुत लाइक बुटीक वाला ब्लाउज एकदम वैसे फिटिंग है, बट इसका जो नेकलाइन है ना वो बहुत ज़्यादा डीप है इसलिए मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा। पैडेड ब्लाउज है एंड काफ़ी एक्सपेंसिव है, 1900 रुपीज़ में ली है मैंने। सो इसके साथ तो बहुत साड़ी के साथ बहुत अच्छे से जा रही है, सो मैंने तो कलरफुल ज्वेलरीज इस पे डाले हैं ब्लाउज को मैच करते हुए, और कुछ इस तरीके से इंडिया ब्रांड की ये जॉर्जेट मटेरियल की साड़ी है जिसपे लेयर्स फ्रिल्स वाले नीचे डिजाइन बने हुए हैं एंड इस पे मेरा साइज मीडियम है। स्कर्ट साड़ी है गाइस, साइड से चेन आती है और कुछ इस तरीके से फिटेड है। सो थोड़ा मैं दिखा रही हूँ, फिट होगा तो एक साइज अप लो और थोड़ा वेस्ट पे ना पिन अप कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा फिटेड हो रही है, बट हाँ पहनने पर बहुत ज्यादा गॉर्जियस लग रही है क्योंकि इंडिया ब्रांड की साड़ी वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। ब्लाउज के साथ बहुत अच्छे से जा रही है, 1900 रुपीज़ में मुझे मिली है, प्राइस अभी और कम होने वाली है। सो स्टे ट्यून, और ये वीडियो पसंद आए गाइस तो प्लीज लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। एंड इनर लाइनिंग के साथ ये साड़ी आती है, कोई भी क्वेरी हो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो, और प्लीज गाइस वो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो प्लीज। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।